Okay, good morning, dear students. Today I will discuss about the micro and the pico hydro machine. This is the part of the unit 4. The subject name is the power plant engineering. This is the outline of the today lecture. What is the introduction about the micro hydro power plant? What are the various components of the micro hydro power plant? Turbines is the component, generator is the component, electronic load calculator is another device, one line diagram distribution is the another system device. Advantage and disadvantage of the micro hydro power plant, and the what is the feature of the micro hydro power plant, what is the meaning of the small hydro power plant. This is the today features of the lecture. This is the first slide of the what are the problems of the macro hydro power plant is coming. कौन कौन सी problems है जो कि macro hydro power plant के साथ में चली आ रही है वो अपने को यहाँ पे देखना है. तो first problem that is coming vegetation removal. जो भी वहां पे बोलना चाहिए macro hydro power plant की problem थी वहां पे सबसे ज्यादा जो कि वहां पे आपको रिमूव करना था जितनी भी वनस्पति वगैरह लगी थी उनको रिमूव करने की एक प्रॉब्लम बनी थी. नेचुरल लैंडस्केप्स वगैरह की प्रॉब्लम बनी थी कि कभी भी अचानक से हो जाता था. इंटरफेरेंसेस इन द फिश पॉपुलेशन वाली एक प्रॉब्लम बनी हुई थी. वाटर क्वालिटी जो था बहुत ज्यादा पुअर था. तो इन प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के लिए इस तरह की चीजें जो है वो हमने अडॉप्ट करी है. तो आपको माइक्रो हाइड्रो की जो जरूरत पड़ी है वो इसी वजह से जरूरत पड़ी है. तो माइक्रो हाइड्रो पावर प्लांट दैट इज द नो नीड ऑफ द डैम. डैम की जरूरत नहीं है. एबल टू वर्क इन द ड्राई सीजन. ड्राई सीजन में भी हम वर्क कर सकते हैं. सिविल वर्क कम से कम जरूरत पड़ता है और इफिशियंसी जो रहती है माइक्रो हाइड्रो पावर प्लांट की वो बहुत ज्यादा रहती है. इंट्रोडक्शन में भी आप देखेंगे तो इंट्रोडक्शन में माइक्रो हाइड्रो जो पावर प्लांट है दैट इज अ टाइप ऑफ द हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट विच इज प्रोड्यूस अप टू द 100 किलोवाट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. 100 किलोवाट कैपेसिटी के रहते हैं जो कि नेचुरल फ्लो ऑफ वाटर का इस्तेमाल होता है. और इस प्लांट को हम वहां पे यूज करते हैं जहाँ की आइसोलेटेड होम रहता है या बोलना चाहिए स्मॉल कम्युनिटी रहती है. जैसे कि सोसाइटी टाइप की आप छोटी सी सोसाइटी ले लीजिए जहाँ की बहुत ज्यादा पावर रिक्वायरमेंट नहीं है. माइक्रो हाइड्रो सिस्टम जो है दैट इज द कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ द सोलर एनर्जी बिकॉज इन मेनी एरियाज इन विंटर द वाटर फ्लो इज मैक्सिमम एंड द सोलर एनर्जी इज द मैक्सिमम. कई जगह आप चले जाएंगे जहाँ की आपको देखने को मिलेगा कि सोलर एनर्जी बहुत कम से कम यूटिलाइजेशन हो रहा है. इन सच एरियाज द माइक्रो हाइड्रो पावर इज द यूज अलोंग फोटोवोल्टिक सोलर एनर्जी. कई ऐसे एरिया है जहाँ पे की फोटोवोल्टिक सोलर एनर्जी का इस्तेमाल हो रहा है या फोटोवोल्टिक पैनल्स लगे हुए हैं. तो इस तरह की चीज जहाँ पे हो रही है वहां पे हम बोल सकते हैं कि माइक्रो हाइड्रो पावर प्लांट का इस्तेमाल बेस्ट तरीके से हम कर सकते हैं. तो व्हाट आर द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ द माइक्रो हाइड्रो पावर प्लांट दैट इज द जनरेटर दैट इज द कंट्रोलिंग यूनिट. तो कंस्ट्रक्शन ऑफ द माइक्रो हाइड्रो पावर प्लांट दैट इज द साइट स्पेसिफिक. इट इज द मेड ऑफ ए नंबर ऑफ द कंपोनेंट्स सम ऑफ देम आर दैट इज द इनटेक पैनल पेनस्टॉक टर्बाइन्स जनरेटर कंट्रोलिंग यूनिट. ये इसके कंपोनेंट्स हैं. ग्राफिकल यदि व्यू देखेंगे तो एक लाइन डायग्राम है जिसमें कि आपका इनपुट हाइड्रोलिक के पिस्टन्स है या बोलना चाहिए आउटपुट पिस्टन्स है. हाइड्रोलिक प्रेशर चैम्बर्स हैं. इंटरचेंजिंग वॉल्व हैं और जनरेटर हैं. ये सारी चीजें जितने भी आप देख रहे हैं ग्राफिकल व्यू के रूप में हैं. और यहाँ पे इनपुट के रूप में आपकी रोटर रहता है आउटपुट के रूप में जनरेटर रहता है. और जो हाइड्रोलिक पिस्टन है वो दोनों साइड्स पर रहता है. रोटर साइड्स पे भी जनरेटर साइड्स पे भी रहता है. जो पिस्टन है वो दोनों साइड्स पे रहता है. जो हाइड्रोलिक प्रेशर चैम्बर है वो दोनों साइड्स सिंगल साइड पे आपको बना रहता है. इंटरचेंजिंग जो वॉल्व है वो एक साइड पे बना रहता है. तो दिस इज द अनदर डायग्राम इन विच द माइक्रो हाइड्रो पावर प्लांट वर्किंग इज द क्लियर. द स्लाइड गेट इज द अनदर साइड. स्पीड इंक्रीजर जनरेटर टेल रेस ड्राफ्ट ट्यूब टर्बाइन कंट्रोल पैनल दैट इज द पावर हाउस जनरेटिंग यूनिट वेयर द पावर इज विल बी प्रोड्यूसर्स. द पेनस्टॉक इज द पाइप वेयर इट इज कनेक्टेड विद द स्लाइड गेट एंड द पावर हाउसेस. द पावर कैनल इज प्रोवाइडिंग द पावर वाटर टू द स्लाइड गेट्स. मिनिमम ऑफ द 10 पाइप डायमीटर बिटवीन द टर्बाइन एंड द वाई कनेक्शन विल बी यूज्ड देयर. तो टर्बाइन का मेन फंक्शन क्या होता है. टर्बाइन जैसे कि मैक्रो हाइड्रो पावर प्लांट में वर्किंग कर रही थी वैसे यहाँ पे भी वर्क करती है. कि टर्बाइन का जो मेन काम होता है वो आपकी जितनी भी फ्लो एनर्जी है या प्रेशर एनर्जी उनको मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना रहता है. और टर्बाइन जो होती है बेसिकली दो तरीके की होती है. रिएक्शन टर्बाइन और द इम्पल्स टर्बाइन. अकॉर्डिंग टू द हेड के बेस पे भी हम टर्बाइन को क्लासीफाइड कर सकते हैं. उनमें से आपकी हाई स्पीड हाई हेड टर्बाइन भी होती है.
मीडियम हेड टर्बाइन भी होती है, लो हेड टर्बाइन भी होती है. अकॉर्डिंग टू द साइट स्पेसिफिकेशन जाएंगे तो हेड एंड फ्लो के बीच में वी चूज द टर्बाइन टू यूज इन द माइक्रो हाइड्रो पावर प्लांट. तो टर्बाइन टाइप दैट इज द फ्लो हेड, पेल्टान व्हील जो होती है लो फ्लो में रहती है, हाई हेड में रहती है, टर्बोज जो रहती है मीडियम रहती है. यहाँ पे जो हेड रहता है इसका मीडियम 25 to 75 फीट रहता है. क्रॉस फ्लो की बात करेंगे तो जो फ्लो यहाँ पे रहता है वो हाई रहता है और यहाँ पे हेड जो रहता है वो लो रहता है और लो हेड लेस देन 25 फीट का रहता है. मैथमेटिकली एनालिसिस से यदि करेंगे तो थियोरेटिकल जो पावर रहती है पी इज इक्वल टू दैट इज द 9.81 इंटू रो क्यू इंटू एच, जहाँ की रो जो है डेंसिटी वाटर की है, क्यू जो है फ्लो रेट है, एच इज द हेड मीटर्स में है. जनरेटर जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है सिंक्रोनाइज जनरेटर के रूप में और जो इंडक्शन मोटर है एज अ जनरेटर के रूप में इस्तेमाल की जाती है. इंडक्शन जनरेटर जो इंडक्शन मोटर के रूप में जाना जाता है 1 to 5% रोटेट होता है फास्टर देन द सिंक्रोनाइज स्पीड. जितनी भी सिंक्रोनाइज स्पीड है उससे 1 to 5% तक में बहुत ही स्पीड में घूमता है. तो वहाँ पर आपकी निगेटिव स्लिप मिलती है ताकि हम उसको जनरेटिंग मोड पर रन करा सकें. तो सिंक्रोनाइज जनरेटर में जो साइलेंट पोल रहता है वो सिंक्रोनाइज जनरेटर या अल्टरनेटर रहता है जिसका इस्तेमाल माइक्रो हाइड्रोलिक प्रोजेक्ट में किया जाता है. ये जनरेटर जो है इनका खुद का एक्साइटेशन रहता है, रेक्टिफायर रहता है और एक्सटर्नल बैटरी रहती है. इनका इस्तेमाल अलग अलग तरीके से अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट इसका इस्तेमाल करते हैं. और जितने भी आपके पंप वगैरह भी इंडस्ट्रियल पंप्स हैं सेंट्रीफ्यूगल टाइप के वहाँ पे इस तरह के जनरेटर का इस्तेमाल किया जा रहा है. इलेक्ट्रॉनिक लोड कंट्रोलर में भी आप देखेंगे तो दिस इज द पावर हाउस कंट्रोलिंग. सपोज दैट कि आपको छोटा सा सिस्टम है जहाँ की हम कंट्रोलिंग कर सकते हैं. एक जैसे घरों में एक मीटर लगे रहते हैं वहां से आप देखते हैं रीडिंग वगैरह भी आप रीड कर सकते हैं, वोल्टेज फ्लक्चुएशन वगैरह जितनी भी चीजें वहां पे आप रीड कर सकते हैं. सिमिलरली इलेक्ट्रॉनिक लोड कैलकुलेटर जितने भी आपकी वाटर टर्बाइन लगी हुई है उनकी स्पीड यदि वेरी कर रही है एज पर द लोड अप्लाइड तो स्पीड वेरिएशन को जितना भी फ्लक्चुएशन हो रहा है उसको रीड करने का काम करता है इलेक्ट्रॉनिक लोड कैलकुलेटर. तो स्पीड जो वेरिएशन है विल इफेक्ट द फ्रीक्वेंसी एंड द वोल्टेज आउटपुट फ्रॉम अ जनरेटर. इनको ओवरकम करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोलर का जो इस्तेमाल किया जाता है पावर प्लांट में किया जाता है ताकि हम इनके जितने भी स्पीड का फ्लक्चुएशन है उनको नोट डाउन कर सकें, उनको आइडेंटिफाई कर सकें अकॉर्डिंग टू द लोड कंडीशन अकॉर्डिंग टू द स्पीड कंडीशन. उसको हम आइडेंटिफाइड करके और फिर बाकी से सिस्टम को प्रॉपर तरीके से मैनेज कर सकें. तो जो ELC प्रिवेंट रहता है वेरिएशंस इट इज कंटिन्यूसली बाय द एडिंग और सब्स्टिट्यूटिंग इन द आर्टिफिशियल लोड. जितना भी आपका बाहर से लोड आ रहा है उसके द्वारा इसकी स्पीड का वेरिएशंस होता है सो दैट द जनरेटर इज वर्किंग परमानेंटली अंडर द फुल लोड. जनरेटर का जो इस्तेमाल होता है वो परमानेंटली फुल लोड की बेस पर होता है. अ फर्दर बेनिफिट इज दैट द ELC इज द नो मूविंग पार्ट्स. ELC जो रहता है उसके अंदर कोई भी मूविंग पार्ट नहीं रहता. इट इज वेरी वेरी रिलायबल सिस्टम कंपोनेंट एंड द मेंटेनेंस फ्री. दिस इज द वन लाइन डायग्राम ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन की किस तरीके से हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं पावर प्रोड्यूस होने पे. दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक सर्किट डायग्राम. व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ द माइक्रो हाइड्रोलिक पावर प्लांट. तो पहला एडवांटेज जो है इकोनॉमिक एनर्जी सोर्सेज है. दूसरा है नो रिजर्वायर रिक्वायर्ड. जैसे कि हमने बताया कि डैम की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है तो नो रिजर्वायर इज द रिक्वायर्ड. यूटिलाइज द नेचुरल फ्लो ऑफ द वाटर. जितना भी वाटर फ्लो रहा है उसको नेचुरल वे में जो फ्लो रहा है उसके हिसाब से हम कर सकते हैं. नो हार्मफुल इफेक्ट ऑन द सराउंडिंग्स में किसी भी तरीके का हार्मफुल इफेक्ट नहीं होता. और किसी भी तरीके का कॉस्टली जो इक्विपमेंट है वो इस्तेमाल यहाँ पे नहीं करते हैं. डिसएडवांटेज के रूप में भी देखेंगे तो लो पावर जनरेशन रहता है ड्यूरिंग द मानसून समर, या बोलना चाहिए कि ड्यूरिंग द लो समर. एंड इट इज द सुटेबल साइट कैरेक्टरिस्टिक्स रिक्वायर्ड अकॉर्डिंग टू द साइट के हिसाब से अपने वो कैरेक्टरिस्टिक रिक्वायरमेंट है. इफिशेंसी इस प्लांट की जो रहती है काफी कम रहती है कंपेयरिंग टू द माइक्रो हाइड्रोलिक पावर प्लांट. व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ द माइक्रो हाइड्रोलिक पावर प्लांट. यदि फ्यूचर की बात करेंगे तो न्यू कंप्यूटराइज कंट्रोल सिस्टम का इस्तेमाल कर रहे हैं, इम्प्रूव टर्बाइन का इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर सके फ्रॉम द एग्जिस्टिंग कंडीशन. स्मॉल स्केल और लो हेड हाइड्रो कैपेसिटी का इस्तेमाल करते हैं वहां पे जहाँ पे इनकी रिक्वायरमेंट कम रहती है. लो हेड टर्बाइन स्ट्रेस टर्बाइन जो रहती है इनका इस्तेमाल जो रहता है कॉस्ट को लोअर करने के लिए रहता है हाइड्रोलिक इलेक्ट्रिक पावर प्लांट के लिए जहाँ की लो हेड पे वर्क कर रहे हैं. जनरली क्या होता है कि अपन हाइड्रो पावर प्लांट जो लगा रहे हैं
मैक्रो फॉर्म में या हायर कैपेसिटी पे लगा रहे हैं, यदि उसका हेड प्रॉपर तरीके से नहीं मिलेगा तो वो कॉस्टली बहुत पड़ जाएगा और एफिशिएंसी भी उतनी अच्छी नहीं मिलेगी। दैट्स व्हाई कि वी नीड अबाउट द माइक्रो हाइड्रोलिक पावर प्लांट। तो कंक्लूजन्स में भी देखेंगे तो माइक्रो हाइड्रोलिक पावर प्लांट जो रहते हैं इंपॉर्टेंट पार्ट है वर्ल्ड इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई का, एंड इसका इस्तेमाल जो है रिलायबल और इकोनॉमिकल सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के लिए किया जाता है। व्हेन द नो फ्यूल इज रिक्वायर्ड इन द हाइड्रोलिक पावर प्लांट इट कैन हेल्प टू सेव अदर सोर्सेज ऑफ द एनर्जी। जहां कहीं पे भी फॉसिल फ्यूल की रिक्वायरमेंट नहीं है वहां पे इस टाइप के हाइड्रोलिक पावर प्लांट जो रहते हैं काफी ये फ्रूटफुल रहते हैं। अब बात करेंगे स्मॉल हाइड्रोलिक पावर प्लांट जैसे कि पीको हाइड्रोलिक मशीनें रहती हैं, तो पीको हाइड्रोलिक मशीन जो रहती है वहां पर इस्तेमाल किया जाती है जहाँ की पावर जो है 5 किलोवाट या इससे कम पे प्रोड्यूस करनी होती है उसे हम पीको हाइड्रोलिक पावर प्लांट का नाम देते हैं, या स्मॉल पावर प्लांट के अंदर पीको हाइड्रोलिक पावर प्लांट आता है। माइक्रो हाइड्रोलिक पावर प्लांट जो रहता है उसकी कैपेसिटी 100 किलोवाट या उससे कम रहती है। मिनी हाइड्रोलिक पावर प्लांट की जो कैपेसिटी रहती है वो 2000 किलोवाट से या उससे कम रहती है। स्मॉल की 25,000 किलोवाट एंड बिलो रहती है। मीडियम की 10,000 यानी बोलना चाहिए 1 लाख किलोवाट एंड बिलो रहती है। लार्ज की एवं 1 लाख किलोवाट के आसपास रहती है। तो स्मॉल हाइड्रो पावर प्लांट कई तरीके के होते हैं। पीको सबसे छोटा माना गया है, उसके बाद माइक्रो वाला माना गया है जिसको कि हम रीड कर चुके हैं। मिनी जो रहता है 2000 किलोवाट के आसपास का रहता है। चॉइस ऑफ टेक्नोलॉजी इन द साइट, अब किस पे डिपेंड करता है कि कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करनी है या कहाँ पे हमें प्लांट पे लगाना है, किस पे डिपेंड करेगा? ये डिपेंड करेगा वहाँ के हेड पे, कितना हेड है। वाटर हेड सबसे जरूरी है जानना कि जो आपकी हाइड्रोलिक पावर प्लांट है वो किस हेड पे काम कर रहा है, लो हेड पे काम कर रहा है, मीडियम हेड पे काम कर रहा है या हाई हेड पे काम कर रहा है, ये देखना बहुत जरूरी होता है। उसके बाद कितना डिस्चार्ज फ्लो रेट है कि डैम से यदि पानी छोड़ा जाता है तो उसका डिस्चार्ज फ्लो रेट क्या है, तो ये चीजें बहुत जरूरी समझना। तो व्हेन द पावर विल बी कैलकुलेटेड बाई दिस फार्मूला वेयर दैट इज द कॉल्ड QHG इनटू एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी जो रहती है वो 80% ली आती है ग्लोबल एफिशिएंसी प्लांट की, इसको हम देख के चलते हैं। और जी की वैल्यू जो है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर रहती है। हाइड्रो प्रोजेक्ट स्कीमेटिक यदि बात करेंगे तो यहाँ पे आप जो डायग्राम देख रहे हैं वो स्मॉल हाइड्रोलिक पावर प्लांट के लिए है कि जो इस डैम का निर्माण किया जाता है वो पानी को स्टोर करने के लिए रहता है। पेन स्टॉक जो लगाई जाती है टर्बाइन में से पानी टर्बाइन पे पानी ले आने के लिए यूज किया जाता है। ये कास्टरिंग का पाइप रहता है, जनरेटर का जो इस्तेमाल होता है उसमें पानी को स्ट्राइक करने के लिए रहता है टर्बाइन के थ्रू फॉर द प्रोड्यूसिंग ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। एंड टर्बाइन इट इज द टर्नड बाय द फोर्स ऑफ द वाटर ऑन दियर ब्लेड्स। क्रॉस सेक्शन जो यूज किए जाते हैं कन्वेंशनल टाइप का हाइड्रो पावर प्लांट जो कि सारे कंपोनेंट या डिवाइसेस को अपने अंदर में समेटे रहता है। कितने तरीके के हाइड्रोलिक इंस्टॉलेशन हो सकते हैं, तो लो हेड के बेस पे आपको दिखाया गया है जो आप यहाँ पे देख रहे हैं। लो हेड के बेस पे है कि पानी यदि रिवर से फ्लो हो रहा है तो बैरेज के थ्रू टर्बाइन के अंदर आ रहा है। यदि मीडियम हेड की बात करेंगे तो पेन स्टॉक की जरूरत पड़ती है, और यदि हाई हेड की बात करेंगे तो आपने यहाँ पेन स्टॉक को देखा टिल्ट करके बना दिया गया है ताकि पानी जो है स्ट्राइक ज्यादा अच्छे तरीके से टर्बाइन के ब्लेड्स पे कर सके। तो यहाँ पे रिजर्वायर भी हायर रहेगा हाई हेड में, और कंपेरियन टू द पेन स्टॉक का जो साइज है स्लोप साइज है वो आपका वेरी वेरी कंडीशन में रहेगा कंपेरियन टू मीडियम एंड द लो हेड साइड। टाइपोलॉजीज ऑफ द हाइड्रोलिक प्लांट्स, पहला जो होता है रन ऑफ रिवर प्लांट होता है, दूसरा पॉन्डेज प्लांट होता है, तीसरा रिजर्वायर प्लांट्स होता है। टाइपोलॉजीज ऑफ द हाइड्रोलिक प्लांट, रन ऑफ रिवर प्लांट जो है वो आपका अवेलेबल रिवर फ्लो का इस्तेमाल करता है। रन ऑफ रिवर प्लांट हैज अ लिटिल कम्युनिटी वाटर का इस्तेमाल होता है, हाई कॉस्ट रहती है इसकी। पॉन्डेज टाइप के जो प्लांट रहते हैं वो कम्युनिटी वाटर फ्लो के रहते हैं, परमिट द स्टोरेज ऑफ वाटर फॉर द फ्यू वीक्स। पॉन्डेज प्लांट जो रहते हैं वर्क करते हैं व्हेन द लेवल ऑफ रिवर इज लो। यदि रिजर्वायर प्लांट की बात करेंगे तो रिजर्वायर प्लांट वहां पर इस्तेमाल करते हैं जहाँ की ज्यादा अमाउंट में पावर प्रोड्यूस करना रहता है और कम्युनिटी वाटर फ्लो होता रहता है, और जहाँ पे की जो डैम का साइज है वो काफी बड़ा रहता है ताकि पानी को इकट्ठा कर सके। यूजली दिस काइंड ऑफ द प्लांट इज नॉट ए स्मॉल हाइड्रोलिक पावर प्लांट। प्लान SHP दैट इज द स्मॉल हाइड्रोलिक प्लांट कंट्रोल नेशनल एंड द रीजनल लॉ रहता है हु यूजली द यूजिंग द वाटर एंड द हाउ स्टोरी एनालिसिस ऑफ द रिवर फ्लो। तो ये सारे पैरामीटर्स को हम लेके चलते हैं, कितना वाटर फ्लो रहा है, कितना हेड वहाँ पे मेंटेन है, उसके हिसाब से हम इसका प्लान डिजाइन करते हैं।
So this is the data, small hydraulic power plant sites in India, कहाँ पे कैसा क्या है. तो दिस आर द नेम ऑफ स्मॉल हाइड्रोलिक प्लांट और उनकी इंस्टॉल कैपेसिटी दी हुई है. तो कैपेसिटीज में आप देख रहे होंगे कि बहुत ज्यादा कैपेसिटीज नहीं है, 5 megawatt इज नथिंग बट. तो ये आपका जो है नेम ऑफ हाइड्रोलिक प्लांट का नाम दिया हुआ है, उसके हिसाब से उसकी कैपेसिटी दी है और कितनी टर्बाइन या कितनी यूनिट लगी उसके हिसाब से यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है. यदि 1 × 1.5 megawatt है, इसका मतलब एक टर्बाइन है जिसकी कैपेसिटी जो है पावर प्रोडक्शन की कैपेसिटी 1.5 megawatt है. इसी हिसाब से 2 × 5 megawatt है, तो 2 turbines है और आपकी जो 5 megawatt की कैपेसिटी है वो हर एक टर्बाइन की है. फिर 2.45 × 1 यहाँ पे लिखा हुआ है, तो अलग टाइप का है. फिर 2 × 5 लिखा है मेगावाट है, यहाँ पे आपकी जो टर्बाइन यूनिट है या पावर यूनिट है वो 2 लगी हुई है, उनकी ईच की कैपेसिटी 5 megawatt की है. मेजर एट्रीब्यूट्स ऑफ द हाइड्रो पावर यदि देखेंगे तो पॉजिटिव और निगेटिव इमेज देखेंगे तो हाइड्रो पावर प्लांट जो रहते हैं इनमें एमिशंस नहीं होता, ये सही बात है. मैच्योर टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाती है, रिन्यूएबल सोर्सेज का जो इस्तेमाल किया जाता है वो हाईली एफिशिएंट मैनर में करते हैं, 80% तक इसका इस्तेमाल होता है सही तरीके से. लॉन्ग लाइफ जो रहती है 40-50 साल की रहती है, लो मेंटेनेंस कॉस्ट रहती है, स्किल्ड वर्क जो रहता है इससे आपको मिलता है, यूजिंग एरिया जो रहता है वो चेंजी टाइप का रहता है. नेगेटिवली बात करेंगे इसके लिए तो डिसएडवांटेज के रूप में तो इनिशियल कॉस्ट जो है, कैपिटल कॉस्ट जो है बहुत ज़्यादा रहती है और जो सोशल इम्पैक्ट है वो बहुत ज़्यादा रहता है. कहना चाहिए कि लैंड इन रोडेशन चेंजेस जो रहता है, लैंड यूजर्स वाला जो पार्ट रहता है वो काफ़ी अलग टाइप का रहता है. वेरिएबल आउटपुट डिपेंडेंट ऑन द रेनफॉल एंड द स्नोफॉल, जितनी भी रेनफॉल या स्नोफॉल हो रही है उसके हिसाब से इसका आउटपुट वेरी करता है. हाई कॉस्ट ऑफ द डिसमिनिसेशन, आपकी जो कॉस्ट है इसकी बहुत ज़्यादा रहती, ब्यूरोक्रेसीज बनी रहती है. तो दीज आर द मेजर एटीट्यूड्स ऑफ द हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट. तो कितने तरह के पावर प्लांट इस्तेमाल किए जा रहे हैं, स्टार्ट इजली है, इनको बहुत इजली तरीके से ऑपरेट किया जा सकता है. कॉम्प्लीमेंट जो रहता है कंपेरिजन टू थर्मल पावर प्लांट की बात करेंगे, जहाँ की कोल और न्यूक्लियर का इस्तेमाल कर रहा है, विच आर द मोस्ट एफिशिएंट इन सर्विंग द बेस्ट पावर लोड, सेव द मिलियंस ऑफ बैरल्स ऑफ द ऑयल, बहुत सारे जो तेल है उनको बचा के रखता है हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट. इमिशंस की यदि बात करेंगे तो इमिशंस तो नहीं निकलता है, आपको भी पता है यदि फ्यूल इस्तेमाल नहीं होगा तो इमिशंस नहीं रहेगा. तो इसमें आगे और क्या कर सकते हैं, कितने तरीके से स्ट्रेटजी बना के काम कर सकते हैं, कितने पीपल्स को आप यहाँ पे एंगेज कर सकते हैं. तो दिस इज द टुडे लेक्चर. इफ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज आस्क मी.